न्यूज टुडे 24 में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं ब्लॉक भगतपुर टांडा के पाडले बाजे गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जैसे कि सड़कें नाली वगैरह। बाकी इसकी पूरी जानकारी हम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे, तो चलते हैं प्रधान के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को जो है यहाँ पूरे हो चुके हैं लगभग। क्या क्या विकास कार्य गाँव में आपने करवा दिया है? रास्ते गए हैं और आंगनवाड़ी केंद्र बनवाए हैं, सूर्य लाइट लगवाई है, आवास बनवाए हैं, 100 के आसपास आवास बन चुके, 200 शौचालय करा दिए। शौचालय से गांव ओडीएफ हो गया? ओडीएफ हो गया। और नलों पर सोखते गड्ढे बनवाए, जो पानी वृक्षारोपण किया। स्कूल पर भी कुछ काम करवाया होगा? हाँ, स्कूलों की मरम्मत कराई है, स्कूलों में टाइल्स वगैरह बिछवाई है, नल लगवाए सरकारी, कराएंगे। यहाँ किसानों को जो सरकार की तरफ से सरकार की योजना थी सम्मान निधि का पैसा मिलने की, क्या वो मिला है यहाँ गांव में? मिला है, तो पैसा मिला, मगर कुछ आदमी व्यक्ति रह चुके हैं। तो यहाँ स्कूल के अलावा सरकारी बिल्डिंग में बारात घर है? बारात घर नहीं है। पंचायत घर है? पंचायत घर भी नहीं है। खेल का मैदान? खेल का मैदान भी नहीं। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी जैसा कि आपने बताया आपने बनवाए हैं यहाँ पर। आंगनवाड़ी उसके अलावा शमशान घाट कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल हो रखी है सर? नहीं, बाउंड्री नहीं है किसी की भी, ना मुसलमानों की ना हिंदू की। अब यहाँ अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए सरकार से क्या प्रमुख मांग आप रखना चाहते हैं? सरकार से हम रखना चाहते हैं हमें जो है बढ़िया से बढ़िया वो मिलना चाहिए, बाउंड्री मिलनी चाहिए मुसलमानों के लिए भी, कब्रिस्तान की, कब्रिस्तान शमशान घाट की बाउंड्री आप करवाना चाहते हैं, और बारात घर पंचायत घर का निर्माण भी आप चाहेंगे? बारात घर चाहते हैं और मंदिरों की बाउंड्री चाहते हैं, और हम सोच रहे हैं खेल का मैदान मिलना चाहिए। और क्या यहाँ कच्ची सड़कें हैं? अभी कच्ची सड़कें हैं, मगर पुरानी कच्ची सड़कें भी हैं और पुरानी नई सड़कें बनी थी RCC की, वो सब टूटी पड़ी है। कितने गरीब लोग यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की अभी जरूरत है? अभी कम से कम 100 आदमी का आवास की जरूरत है। जैसा कि आपने देखा हमने प्रधान जी से यहाँ बातचीत की है, इनका बताना है, इनके कहने के अनुसार यहाँ काफी विकास हुआ है और हमने भी देखा है शौचालय से ये गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, यहाँ आवास भी मिले हैं, CC और सड़क निर्माण का कार्य भी यहाँ प्रधान द्वारा करवाया जा चुका है। इसके साथ ही यहाँ कुछ समस्याएं हैं जो कि अभी तक इनका समाधान नहीं हुआ है, जिसमें प्रमुख समस्या यहाँ पर जो है इन्होंने बताई है, बारात घर नहीं है, पंचायत घर, खेल के मैदान की भी यहाँ पर मांग करते हैं। यहाँ कई गरीब पात्र ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। मैं भी निवेदन करती हूँ कि मोदी सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से।